हेलो, आई एम विनीत फ्रॉम जस्ट ट्यूटर्स और आज हम पढ़ेंगे अबाउट कंपेयरिंग क्वांटिटीज। सो इस वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू कन्वर्ट परसेंटेजेस टू फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। सो आइए चलते हैं, पहले कुछ वार्म अप क्वेश्चंस हैं उन्हें ट्राई करते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ अपना वीडियो पॉज कर सकते हैं, बट अपने आंसर्स बाद में मैच करना मत भूलिएगा। चलिए, हमारा क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो ऑफ रुपीज़ 5 to 50 पैसा। तो हमें 5 रुपये और 50 पैसे के बीच का रेशियो फाइंड करना है। तो जैसा कि हम जानते हैं, जब भी हमारे पास दो अलग अलग यूनिट ऑफ मेजरमेंट होती हैं तो हम उन्हें कंपेयर करने से पहले हमेशा उन्हें एक यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। तो आइए यहाँ देखते हैं। तो जैसा कि हमें पता है, 1 रुपये में होते हैं 100 पैसे। तो यानी अगर हम 5 रुपये को पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 500 पैसा। सो रुपीज़ 5 will equal to 500 पैसा। तो आइए अब इसे रेशो में रखते हैं। तो 500:50। जब भी हम इस रेशियो को सिंपलीफाई करेंगे तो उसके लिए हमें इन दोनों नंबरों के कॉमन डिवाइज़र से डिवाइड करना पड़ेगा और वो होना चाहिए हाईएस्ट कॉमन डिवाइज़र। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास हाईएस्ट कॉमन डिवाइज़र आता है 50, यानी कि जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है इन दोनों नंबर्स का वो है 50। तो हम दोनों साइड को, रेशो की दोनों साइड को हम 50 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा, 500 को 50 से डिवाइड करने पे हमें मिलेगा 10 और 50 को 50 से डिवाइड करने पे हमें मिलेगा 1। तो जी हाँ, यही है हमारा आंसर 10:1। आइए आगे चलते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम कन्वर्टिंग परसेंटेजेस टू फ्रैक्शंस और डेसिमल्स। सो जैसा कि हम जानते हैं, अब तक हमने फ्रैक्शंस को डेसिमल और परसेंटेजेस में कन्वर्ट किया था, जबकि हम इसका उल्टा भी कर सकते हैं। यानी कि अगर हमारे पास एक परसेंटेज दी गई हो तो हम उसे एक फ्रैक्शन और एक डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ हमारे पास एक टेबल है। टेबल की पहली रो में हमारे पास कुछ परसेंटेजेस हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, लाइक 1%, 10%, 25%। दूसरी रो है हमारी फ्रैक्शंस की और तीसरी रो है हमारी डेसिमल की। अब जैसा कि हम जानते हैं, परसेंटेज हमेशा होती है आउट ऑफ 100। तो यानी कि जब भी हम किसी परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो डिनोमिनेटर में हमेशा 100 ही आएगा, यानी कि 1% विल बिकम 1/100। इसी तरीके से 10% बराबर होगी 10/100, जिसको हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 1/10। इसी तरीके से 25% होगी 25, और परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इसलिए डिनोमिनेटर होगा 100। अगर हम इसे सिंप्लीफाई करना चाहें तो हमें ये सिंप्लीफाई होके देगा 1/4, यानी कि 1/4 या 1/4। इसी तरह 50% बराबर होगा 50/100, जो बराबर होगा 1/2 के। इसी तरीके से 90% होगा 90/100। अगर आप इसे सिंप्लीफाई करना चाहें तो आपको मिलेगा 9/10। इसी तरीके से आप 125% को लिख सकते हैं 125/100, और 250% को हम लिख सकते हैं 250/100। तो अब आइए डेसिमल में देखते हैं। तो जैसा कि हमें पता है, 1/100 इज सेम एज 1/100, क्योंकि द बार इन द डिवीजन इज सेम एज द बार इन द फ्रैक्शन। ओके, सो जैसा कि आप देख सकते हैं, या तो हम कहें 1/2 या कहें हम 1/2, ये दोनों सेम बातें होंगी। क्योंकि इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं
कि जो ये फ्रैक्शन वाली लाइन होती है, इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ये लाइन डिवीजन के साइन में भी जो लाइन होती है उसके जैसी ही होती है, इसलिए 1/2 इज़ सेम एज़ 1/2. तो 1/100 हमारे पास डेसिमल में आएगा 0.01, इसी तरीके से 1/10 या 10/100 आएगा 0.10, इसी तरीके से 25/100 आएगा हमारे पास 0.25, 50/100 आएगा 0.50, 90/100 आएगा 0.9, आप चाहें तो एक ज़ीरो भी लगा सकते हैं. इसी तरीके से 125/100 आएगा 1.25, और 250% होगी डेसिमल में 2.50. आइए आगे चलते हैं. तो ये रहे आपके लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस. आप यहाँ पे अपना वीडियो अब पॉज कर सकते हैं, बट अपने आंसर्स बाद में मैच करना मत भूलिएगा. आइए चलते हैं आंसर्स की तरफ. तो ये रहे आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस के आंसर. सो आई होप दैट यू लाइक द वीडियो. फॉर मोर प्लीज़ विजिट justtutors.com.